हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार, हाल में एक भाई ने मुझे कमेंट किया है कि जो रेलवे में जो वैकेंसी निकली है आरआरबी एनटीपीसी की, जिसके माध्यम से हम टीटीटीसी या ट्रेन मास्टर बनेंगे, वो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो आपको क्रोम पे आना और सरकारी रिजल्ट टाइप कर देना, जो पहली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यार ऑप्शन मिलेगा, आप देख रहे होगे इस जगह पर, आप देख रहे होगे कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो ट्वेल्थ वाले हैं और जो ग्रेजुएट वाले हैं, वो भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आप समझ जाओगे क्योंकि क्या सीन है कि दोनों लोग यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यार आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे इस ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले आप डिटेल में पढ़ लो इसको कि आपको फॉर्म भरना कहाँ से है, अहमदाबाद से भरना है या अजमेर से भरना है, कि कहाँ पे वैकेंसी कैसे है, आप कहाँ पे जा सकते हो, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना अपने एरिया को। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा इस जगह पर अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यार यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा दो चीज़ों का। ऑप्शन पहला क्या होगा, ये अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो यार मैं अकाउंट पहले से ही क्रिएट कर चुका हूँ, और जिसने एक बार अकाउंट क्रिएट कर दिया वो दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, ठीक है, एक जनवरी 2024, यानी कि जो लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, अगर उसमें भी किसी ने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जनरल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी किसी ने अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने नहीं किया तो यहाँ पर ओके कर देना। अब जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर यार सिंपल चीज़ है, आपको नेशनलिटी दी गई है, ठीक है, वो फिल कर देना, नाम कर देना, सब चीज़ बिल्कुल सिंपल चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना और अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना। जैसे यार आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना और इसको क्या कर देना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसको सेव कर देना। अब मेरा यार पहले से क्रिएट है तो मैं क्रिएट करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा क्रिएट होगा नहीं, मैंने जनवरी में ही कर रखा था। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं भाई लॉगिन हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं कैप्चा कोड को फिल करके, तो आप जैसे यहाँ पे यार लॉगिन करोगे तो इस तरह की इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ क्या करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो ट्वेल्थ वाले हैं, और एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे है। तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट का सीन क्या है, मैं तो यार पहले से यहाँ फॉर्म फिल कर चुका हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये देखो मैं पहले से फॉर्म को फिल कर चुका हूँ। तो मैं ट्वेल्थ से आपको बता रहा हूँ, अब मैं ट्वेल्थ से भी नहीं भर सकता, पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, पर मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्वेल्थ से भरना, तो ये निशान यहाँ पे लगा देना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपका काफ़ी सारा यहाँ पर डेटा आ चुका है, तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो ये चीज़ तो आप फिल कर चुके हो सारी चीज़ें, तो इसको आराम से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर अपने कंट्री का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, और यहाँ पे आपका फुल नाम जो है, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल चीज़ें भर सकते हो। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो लैंग्वेज फिल कर देना। अब यहाँ पे बोला परमानेंट विजुअल मार्क, तो भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी आपके गाल में यदि मोल है, तिल है, तो वो लिख सकते हो, नाक टीढ़ी है वो लिख सकते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद आपकी कैश कैटेगरी क्या, वो यहाँ पर लिख देना भाई। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, और यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो डाल देना भाई, और जो आपका भाई इशू किया, किसने इशू किया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ से आप दिखा सकता हूँ आपको, तो तहसीलदार ने किया है, सब डिवीज़न ने किया है, जिसने भी किया वो आप कर देना। मेरा भाई तहसीलदार वाला है तो हम तहसीलदार वाले पे भी रखेंगे, सिंपल सी बात है। और वैसे एक बात बता दूँ यार, यहाँ पर जो कास्ट लगेगा वो सेंट्रल लेवल का ही बनवाइएगा, ये अगर आप सेंट्रल लेवल का कास्ट नहीं बनवाते हैं तो आपको जो मेरिट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि आप ओबीसी जनरल की हो तो कोई बनवाने की जरूरत ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने वाले सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ब्राउजर में आप देख रहे होगे, यहाँ पर क्लिक कर देना, आप अपने उसमें ड्राइव में चलाओगे, वहाँ से अपने पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना और दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर सेव, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर ब्राउजर पर गया मैं, ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। एक बार यार मना कर देगा ये, और दोबारा एक बार जैसे मना करेगा कि भाई, वो बोलेगा वैलिड डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, तो दोबारा आप फिर सेव पे क्लिक करना, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। तो यार ये सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना, आपका जो अभी करंट एड्रेस जहाँ पर वो कर देना, उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस फिल कर देना, यदि दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो निशान है यहाँ पर क्लिक कर देना, और इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना।
तो भाई अपन नेक्स्ट पे आ गए। मैं पहले से फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे सिंपल आप देख रहे होगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ जहाँ यार हर जगह नो कर देना, क्योंकि भाई आप ना कहीं जॉब कर रहे हो कोई प्रॉब्लम, हर जगह नो को फिल कर देना, नो फिल कर देना, पढ़ के कर लेना, क्योंकि आप बोल रहे हैं आर यू एन एक्स एम्प्लॉई इंडियन रेलवे तो नहीं है भाई, ठीक है। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं, आप देख लो। फिर यदि कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो भाई। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना, अपना जो नाम डाल देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, फिर आपका अकाउंट नंबर दोबारा से डाल देना है, और यहाँ पे अपने बैंक का नाम डाल लेना और यूएपीएससी कोड। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका जो रिफंड आएगा, जो आप फीस को पे करोगे वो रिफंड दोबारा करेंगे ना एग्ज़ाम देने के बाद, इस वजह से ये आपको डिटेल देना जरूरी है। सेव करना, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मैंने सारी डिटेल पहले से फिल करके रखी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप भाई 12th कर चुके हो तो आपको कुछ 12th वाला डेटा ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और यदि आप ग्रेजुएशन से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लेना और बैचलर पे क्लिक करके जो डेटा मांगा जाए वो दे देना है भाई। तो हम केवल 12th से भर रहे हैं तो हमने 12th का डेटा पहले से यहाँ पे चिपका दिया है। दोबारा यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होगे आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह देख सकते हो, ये यहाँ पे अटैच हो चुका है, व्यू करके यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा भाई आपको फोटो अटैच करनी है। फोटो अटैच करने के लिए आप देख रहे हो कि फ़ोटो की जो आपकी जो विड्थ है चौड़ाई है वो 240 होनी चाहिए और ये जो आपकी हाइट है वो 320 होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए। तो ये भाई इमेज एडिटर आएगा, वहाँ से आपको एडिट कर लेना, इजी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो फोटो होनी चाहिए वो 70 KB के आसपास होनी चाहिए, इसको आप इजी अपलोड कर सकते हैं। सेम यार साइन का भी प्रॉब्लम है, और ये इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 140 पिक्सल होनी चाहिए और ये 60 होनी चाहिए। तो आप इंजीनियर हो यार, अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर से सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे यार नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यार क्या सीन आएगा, अब इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एनी पोस्ट अंडर, तो ये सीन ये कि क्योंकि मैं ग्रेजुएट लेवल से फिल कर चुका हूँ, इस बेस पे मेरे को मना कर रहा है। पर यहाँ पे यार इस तरह का ऑप्शन आएगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पोस्ट होंगी दोस्तों इस जगह पे, तो आपको जो पोस्ट पे फिल करना है उसको वैसे निशान मार देना। निशान मारने के बाद फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लेस जरा अपना जो प्लेस करंट प्लेस वो डाल देना, और यहाँ पे जो है सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपल पेमेंट की ऑप्शन आएगी, पेमेंट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका फॉर्म गया, फिल हो गया। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, आप करना शुरू कर दो, फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताओ, मैं सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।